राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाले कौन है? बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी से क्या कनेक्शन? गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की एक याचिका ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ा दी है। साल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। उसी बयान पर पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में केस दायर किया था, जिस पर अदालत ने सुनवाई की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। राहत की बात ये रही कि राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी मिल गई। पहले सुनिए पूर्णेश मोदी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। 13 अप्रैल 2019 लोकसभा के चुनाव के दरमियान कर्नाटक स्टेट में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। यह है पूर्णेश मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। पूर्णेश मोदी का जन्म 22 अक्टूबर 1965 को सूरत में हुआ था। पूर्णेश मोदी शादीशुदा हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ही LLB की पढ़ाई की। अधिवक्ता के साथ पूर्णेश मोदी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। पूर्णेश मोदी की राजनीति में एंट्री भी बेहद खास है। सूरत के अरजान में परिवार के साथ रहने वाले पूर्णेश मोदी पहली बार उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हुआ ये था कि 2013 में अरजान सीट से विधायक किशोर भाई की बीमारी के बाद निधन हो गया। इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्णेश मोदी को मैदान में उतारा। उन्होंने बीजेपी के भरोसे को पूरा किया और उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पूर्णेश मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में फिर से ताल ठोकी और फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। विधायक के अलावा पूर्णेश मोदी कई पदों पर भी रहे हैं। उन्होंने गुजरात सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति के सदस्य के रूप में काम किया है। सूरत नगर निगम में भी पूर्णेश मोदी नगर सेवक के रूप में काम कर चुके हैं। सूरत बीजेपी के नगर अध्यक्ष रहने वाले पूर्णेश मोदी ट्रांसपोर्ट और एविएशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी पीएम नरेंद्र मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। 2014 में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। तब पूर्णेश मोदी ने बेहद खास मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि नरेंद्र मोदी को सूरत की सीट से चुनाव लड़वाया जाए। पूर्णेश मोदी ने दावा किया था कि सूरत की जनता भी नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के समर्थन में है। इन सब के बीच पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सूरत की अदालत में केस कर दिया, जिस पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि राहुल गांधी के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।